फ्रेंड्स, मैं हम सूर्य है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आखिरकार कपिल शर्मा ने भी अपनी राय दे दी है पद्मावती मूवी के कंट्रोवर्सीज के ऊपर। मेरे ख्याल से कपिल शर्मा ने बहुत ही अच्छा और वैलिड पॉइंट उठाया है और जो मेरे ख्याल से बहुत ही सही है। कपिल शर्मा ने इंटरव्यू में, हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस इंटरव्यू में कहा कि किसी को अपनी राय देने में कोई दिक्कत नहीं है और राय देनी भी चाहिए, लेकिन अगर कोई ये कहता है कि हम गला काट देंगे या हीरोइन को या किसी का किसी को इस तरह से एक कमेंट करता है तो वो बहुत ही ज़्यादा प्राउड है। एक तरफ हम कहते हैं दीपिका पादुकोण ने कंट्री को प्राउड मूवमेंट दिलाया है और वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं हम कि वुमेन लोग को आगे जाने का मौका देना चाहिए, वुमेन और मैन दोनों एक ही बराबर है, और एक वक्त पे हम इस तरह की बातें कहते हैं। और यहाँ पे साफ साफ इन्होंने कहा है कि CBFC ने फिल्म देखी कि नहीं पता नहीं, अगर CBFC ने फिल्म देखी है तो वो रिलीज़ करेगी वो। और जहाँ तक बात की जाए इस तरह के ऑब्जेक्शन की या इस तरह की रोक ठोक की, तो ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है। डेमोक्रेटिक कंट्री है, हर किसी का अपना राय है, लेकिन कोई अगर गला काटने की बात करता है तो मेरे ख्याल से वो गलत है। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट कपिल शर्मा ने दिया है और कहीं ना कहीं कपिल शर्मा पहले से सपोर्ट करते हैं दीपिका पादुकोण को, उनकी फिल्मों को, और सभी ज़्यादातर लोग करते हैं दीपिका के फैंस। तो ऐसे में कपिल शर्मा का ये स्टेटमेंट ज़रूर किसी ना किसी को किसी के दांत खट्टे कर सकता है, लेकिन ओवरऑल उनका जो स्टेटमेंट है मेरे ख्याल से पूरी तरह से वाजिफ है और सही है। आपको क्या लगता है कपिल शर्मा ने जो कहा है पद्मावती फिल्म को लेकर, ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए फिलहाल इतना ही, बाय।